तू ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। रोहित, आजकल सुनते कहाँ हैं? रोहित। हाँ जी पापा। क्या बात है बताइए। जब देखो फोन पे लगा रहता है ये लड़का। यार कभी तो इसे आराम दे दिया करो और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करो। ठीक है। आज पता है ना नेहा आ रही है? हाँ जी। जाओ और उसे लेकर आ, और हाँ नई गाड़ी लेकर जाना। पर पापा मेरी गाड़ी तो वो तुषार लेकर गया ना, उसको कुछ काम था। और आपकी गाड़ी भी आई थिंक ड्राइवर लेकर गया, वो ब्रेक का काम करवाना था। गाड़ी तो है नहीं पापा। ओफो। चल अच्छा एक काम कर, तू अपने किसी दोस्त की गाड़ी में जा, तुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। क्या पापा, दीदी बच्ची थोड़ी ना है, आ नहीं सकती अपने आप ऑटो या रिक्शा पर। चल पापा। ज्यादा चिलविल मत कर, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए घर की बेटी टैक्सी या ऑटो से आती अच्छी लगेगी। पापा नाउ थिंग्स आर चेंज, अब हम बच्चे थोड़ी रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। एंड मुझे और भी काम है पापा। रोहित कैसा भाई है तू, तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं? उसकी शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पराई हो गई है। पापा अब उसका इस घर में कुछ नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है और वो पराई हो चुकी है। आपके लिए हो ना हो मेरे लिए तो हो चुकी है। तमीज, क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो शर्म कीजिए, ऐसे जवान बेटी पर हाथ उठाते हैं। ऐसी बात करेगा तो हाथ तो उठेगा ही ना, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा, अपनी सगी बहन को पराई मानता है ये। रोहित ये तुम्हारी वही बहन है जो परछाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहती थी, तुम्हारी भूल के बदले खुद डांट खाती थी, जब कभी तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी तो तुम्हारी यही पराई बहन चुपचाप तुम्हें पैसे पकड़ा देती थी, तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखती थी। और तू कहता है कि वो पराई, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तू ऐसा कहता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन, वो लड़की इस घर की थी, है और रहेगी। सही कहा पापा आपने। एक बात पूछूं आपसे, बुआ का इस घर से क्या रिश्ता? ये कैसा सवाल है, वो बहन है मेरी। तो बुआ भी तो हर साल आपको राखी बांधने आती है, और घर में इतनी गाड़ियां होते हुए वो भी ऑटो या टैक्सी पर आती हैं, ऐसा क्यों? नेहा दी और बुआ जी में फर्क क्या है पापा, दोनों इस घर की बेटियां। आपकी बेटी को जरा सी तकलीफ हुई आपने मुझे कितना डांटा, सोचिए दादाजी जिंदा होते तो उन्हें कितना बुरा लगता। फर्क सिर्फ इतना है पापा कि नेहा दी के पापा जिंदा हैं और बुआ जी के नहीं। अरे पापा क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? तेरा ये छोटा भाई है ना, आज ये मेरा बाप बन गया है। हाँ पापा बड़ा तो हो गया है, मुझे लेने के लिए अपनी नई गाड़ी तक भेज दी, और वो भी मेरा फेवरेट कलर। क्या बात है रोहित। दीदी आज रक्षाबंधन वाले दिन तो आपको खुश करना ही था, क्यों पापा? गाड़ी भेज रहे हो लेने के लिए? कैसी है तू? बस ठीक हूँ भाभी। भैया गाड़ी को देख के तो मन खुश हो गया। सच बताऊं ऐसे लगा जैसे आज पापा जिंदा है। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माय लाइफ भैया। मैं चाहती हूँ भगवान हर जन्म में मुझे आप जैसा भाई दे।
चलो चलो मुहूर्त निकला जा रहा है, आ जाओ लड़कियों राखी तो बांध दो। हाँ भाई चलो चलो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे ही मेरी सीख है। आज रोहित की इस हरकत की वजह से मुझे एक बात का तो यकीन है कि मेरे जाने के बाद भी इन रिश्तों को सदा के लिए हिफाजत से रखेंगे मेरे बच्चे। मुझे गर्व है इन पे। किसका सहारा।